प्रकृति सभी तरह के दर्द से छुटकारा दिलाती है। शुद्ध मिट्टी से शरीर ठीक हो सकता है। गीले मोटे कपड़े का एक प्लास्टर शरीर को बहुत राहत देगा। बहुत सारी गंभीर बीमारियां ठीक होती नजर आती हैं और कम पैसे में ही ठीक हो जाती हैं। चाहे कैंसर हो या दमा, गठिया हो या रक्तचाप, मधुमेह हो और लकवा, इन सारी समस्याओं का समाधान मिट्टी चिकित्सा यानी मड थेरेपी है। हाँ, ये आज के विज्ञान के युग में होता है, जब आदमी विभिन्न तरह के भयानक रोगों से पीड़ित होता है और उसे उपचार के भिन्न भिन्न आधुनिक तरीकों की सुविधा प्राप्त है। इस वजह से रोगी की दवाओं के अन्य दुष्प्रभावों से पीड़ित होने के अलावा अच्छी खासी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। जो भी हो, ओडिशा के राजधानी के एक पारंपरिक आयुर्वेदिक डॉक्टर गुरुचरण जेना उपचार के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके का सहारा लेते हैं, जो मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य की किरण आदि जैसे पांच सिद्धांतों पर आधारित है और इससे किसी भी तरह के दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं होता है। चाहे वह कैंसर हो, मधुमेह हो, रक्तचाप हो, हृदय की समस्या हो या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, सभी तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ कम से कम खर्च में किया जा सकता है। भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित चंदगा के जंगल से 4 फीट की गहराई से मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है या सफेद चींटी की टीले से मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। उस मिट्टी को तेज धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें मौजूद सभी जहरीली और हानिकारक चीजें नष्ट हो जाएं। फिर मिट्टी को रात में पानी में भिगोया जाता है और मरीज को ठीक करने के लिए उसी का उपयोग सुबह प्लास्टर के रूप में किया जाता है। मिट्टी में 16 प्रकार के खनिज होते हैं। वे खनिज शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं और दुर्गंध को भी सोख लेते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ बनता है। इसके अलावा अगर वो मिट्टी पेड़ों की जड़ों पर लगाई जाती है तो ये पेड़ के लिए एक दवा का काम करती है। मड थेरेपी सबसे अच्छा इलाज है। चंडका जंगल से शुद्ध मिट्टी एकत्र की जाती है। कीचड़ और पानी की मदद से सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक करीब 200 उपचार किए जाते हैं। ये प्राकृतिक उपचार आयुर्वेद का एक अंग है। इस विशेष प्रकार के उपचार के लिए दूर दराज से मरीज सुबह से शाम तक गुरुचरण जेना के पास आते रहते हैं। उन्हें इलाज से फायदा होता है और ठीक होकर घर लौट जाते हैं। 75 वर्षीय गुरुचरण जेना पिछले 45 वर्षों से इस अभियान में जुटे हैं। वे पैसे के बारे में विचार किए बगैर ही अब तक 50,000 से अधिक मरीजों का इलाज कर चुके हैं। यह उपचार प्रकृति के 5 मूल तत्वों पर आधारित है। वे मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और सूर्य की किरणें हैं। उन सभी को मिलाकर मिट्टी का एक प्लास्टर बनाया जाता है जो उपचार के काम के लिए प्रभावी है। जब वे कृषि में शोध कर रहे थे तभी गुरुचरण ने प्राकृतिक तरीके से उपचार का प्रशिक्षण लिया था। नौकरी से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एक संस्थान से प्राकृतिक चिकित्सा की डिग्री हासिल की। तब से उन्होंने प्रकृति पर आधारित अपना इलाज शुरू किया। अब वे कई लड़कों को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं। गुरुचरण ने इस क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव और ज्ञान अर्जित किया है। मिट्टी की निश्चित तरह की किस्में होती है। इन्हें छोटे प्लास्टिक बैग में रखा जाता है जिसमें नीम की पत्तियों से बना पेस्ट होता है। इसमें हल्दी की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है जिसका उपयोग प्लास्टर के रूप में किया जाता है। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक के उपचार से मरीज भी संतुष्ट हैं। उसी के कारण स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में इस प्राचीन पद्धति से उपचार की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और साथ ही डॉक्टर्स के पास रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इस उपचार के जरिए ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गोपाल रामानुजन को वर्ष 1998 में 1 महीने के भीतर ठीक किया गया था। उससे पहले उन दिनों उनके इलाज पर 6 डॉक्टरों ने 60 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई थी।
आज के आधुनिक तकनीक और महंगे उपचार के बीच यदि इलाज के इस प्राकृतिक तरीके को लोकप्रिय बना दिया जाए तो बहुत सारे लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से ठीक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।